आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। टेंस में अंतर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर। पहली बात तो इससे आप दोनों का अंतर सीखेंगे और साथ ही दोनों के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। दो टेंसेस के बारे में पूरी जानकारी आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पूरे नियमों के साथ है, देखें पहचान भी है साथ में। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है आया, गया, खाया, पिया, नहाया, धोया, इस प्रकार के जो वाक्य के आखिर में वाक्य आते हैं, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, ये सब भी तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है। आई वी यू दे प्लूरल, इस चीज को आप याद रख लें अपने दिमाग में हमेशा के लिए, हर टेंस में आएगा ये आई वी यू दे प्लूरल। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेज में, सेंटेंसेज में डू या डज का प्रयोग, डू का प्रयोग होता है इनके साथ। आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ डज का प्रयोग होता है, किसमें? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। मैंने क्रॉस का चिन्ह भी लगा दिया है। ही शी इट और नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ईएस का प्रयोग क्रिया में, क्रिया के अनुसार, वर्ब के अनुसार होता है। ध्यान रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ही गोज टू स्कूल। अब ही के साथ देखिए गोज लगा है, आई के साथ गो लगा है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? डू नॉट का प्रयोग या डज नॉट का प्रयोग होता है। मैंने ऊपर ही बताया है आई वी यू देव और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में, और ही शी इट और नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव में। और साथ ही एक बात और सुन लें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर्ता से पहले होता है। डू या डज का प्रयोग देखें, डू नॉट, डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग होगा। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, शॉर्ट में आई डोंट गो इस तरीके से कहेंगे, डजंट इसको शॉर्ट में कहेंगे, डज नॉट को। ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, डू या डज का प्रयोग किसके साथ होगा मैंने आगे लिख भी दिया है। डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगेगा। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो ही शी इट और नाम के साथ डज का प्रयोग होगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। अब इसमें एक बात खास याद रखने की है, इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। इज एम आर इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा और डू या डज के बाद क्रिया में एच या ईएस का प्रयोग भी नहीं होगा। डू या डज जिस भी वाक्य में लग जाए उसमें ये बाध्यता खत्म हो जाती है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या ईएस नहीं लगेगा, ही शी इट और नाम के साथ लगेगा। ये बाध्यता डज या डू का प्रयोग होते ही वाक्य में खत्म हो जाती है। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट पे, सभी करता हूं, हर माल 6 रुपया, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सीधे। वाज या वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग होगा, डिड नॉट, केवल डिड, डिड नॉट, सबके साथ, हर माल 6 रुपया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन डिड का प्रयोग जहां भी हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है,
ऐसा नहीं हो सकता कि डिड का प्रयोग हो वाक्य में और फर्स्ट फॉर्म ना लगे, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कभी आ नहीं सकती। इंटरोगेटिव में डिड वाक्य के शुरू में लगता है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वाज या वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।